नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइब्रो एडिनोमा के बारे में। दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, फाइब्रो एडिनोमा, जिसको ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट सिस्ट के नाम से जाना जाता है, एज ए लंप के रूप में होता है। दोस्तों, कभी कभी ये एक ब्रेस्ट में पाया जाता है, कभी कभी दोनों में पाया जाता है। ज्यादातर केस आप देखेंगे कि पेनलेस होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में पेनफुल भी होता है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसको पहचानने का कि ये मैलिग्नेंट है या नहीं है। आप जब भी ब्रेस्ट पे टच करेंगे फोर फिंगर से, तो आप देखेंगे कि वहां पे ये मूवेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है दबाने पे। तो दोस्तों, ये समझिए कि बेनाइन नेचर का है और ये हार्मलेस होता है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर वो फिक्स है दोस्तों, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो होता है जिसको हम लोग एज अ भविष्य में कैंसर के रूप में देख सकते हैं, भविष्य में कैंसर के रूप में वो डेवलप हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है इसको। दोस्तों, ब्रेस्ट लम्प, जो कि फाइब्रो एडिनोमा के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग ब्रेस्ट माउस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट माउस इसलिए कहा जाता है, जैसे चूहा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, वैसे ये होता है। अगर उसको आप टच करेंगे तो वही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, तो इसलिए इसको ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है। दोस्तों, फाइब्रो एडिनोमा दोस्त बेसिकली 15 साल से लेकर के 35 साल की उम्र की लड़कियों में पाया जाता है, और इसका मेन कारण होता है एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसके इम्बैलेंस की वजह से हाइपरप्लेसिया हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यूज में, और उसकी वजह से फाइब्रो एडिनोमा डेवलप हो जाता है। दोस्तों, फाइब्रो एडिनोमा दोस्तों बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो स्मॉल और हार्ड, और दूसरा होता है सॉफ्ट एंड लार्ज। मतलब छोटे साइज का होगा तो हार्ड, और दूसरा होता है साइज उसका बड़ा होता है लंप का, ट्यूमर का, और सॉफ्ट होता है। दोस्तों, तो ये दो तरीके का पाया जाता है, और इनकैप्सुलेटेड होता है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको हम सही कर सकते हैं अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करके, क्योंकि इम्बैलेंस होता है हमारा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को कैसे हम इम्प्रूव करें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो डाइट को हमने सही करना है, सेकेंडली एक्सरसाइज का हमको सहारा लेना है, और इसके अलावा दोस्तों योगासन, प्राणायाम, ये भी इसमें काफी सहायक होता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, फाइब्रो एडिनोमा को पता करने के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें FNAC, मेमोग्राफी और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ये तीन टेस्ट होते हैं दोस्तों। और इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में उसकी क्या कंडीशन है, आइदर बिनाइन है या कैंसरस है। दोस्तों, इसको ठीक करने के अलग अलग ट्रीटमेंट लोग बताते हैं। एलोपैथिक वाला ट्रीटमेंट है उसका ऑपरेशन, और अगर हम होम्योपैथी की बात करें दोस्तों, तो होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट होता है, एक तो मेडिसिन दी जाती है, सेकेंडली दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ इसके साथ साथ में गैनोथेरेपी, जिसके माध्यम से इसको ठीक करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि भविष्य में बनने वाली जो रिकरिंग होती है, कि एक के बाद जो दूसरी कंडीशन डेवलप हो जाती है, वो नहीं होती है अगर गैनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो पहली मेडिसिन दोस्तों है फाइटोलैक्का। दोस्तों, फाइटोलैक्का बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर तक में ये काम आती है। और इसके साथ साथ में देखेंगे कि जो फाइटोलैक्का का पेशेंट होता है, उसको जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, तो वहाँ पे भी ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और इन हम कंडीशन में दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं फाइटोलैक्का को। सेकेंडरी मेडिसिन दोस्तों है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम का जो पेशेंट होता है, उसका अगर आप ब्रेस्ट को आप देखेंगे तो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्डनेस होती है, आप ये समझ लीजिए। तो उस कंडीशन में पेशेंट को चक्कर भी आते हैं, और भी दूसरी कंडीशंस होती है। मेनली कंडीशंस दोस्तों यही होते हैं कि स्टोनी हार्डनेस होता है, तो वहाँ पे आप कोनियम मैकुलेटम 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही फाइटोलैक्का 200 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। तो ये आपके ब्रेस्ट ट्यूमर को सही करने में काफी हद तक मदद करती है। तीसरी मेडिसिन दोस्तों है कैल्केरिया फ्लोर 6x। इसका आप 5-5 टेबलेट दिन में 3 बार आप लें, और इसको कंटिन्यू करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो तीनों दवाएं हैं अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं ब्रेस्ट ट्यूमर के रूप में, और स्पेशली अगर हम बात करें तो फाइब्रो एडिनोमा के केस में। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी रही होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने बात की आपसे कि हम लोग यूज़ करते हैं इसके साथ साथ में गैनोथेरेपी को भी। और गैनोथेरेपी में क्या होता है कि गैनोथेरेपी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि शरीर में जहाँ जहाँ पे भी ये गंदगी है या जो टिश्यूज एक्स्ट्रा डेवलप कर गए हैं, इसको डिटॉक्सिफाई करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और नेचुरली अगर इस चीज़ को हम बाहर निकाल दें,
तो एक तो वहां पे डेवलप नहीं होगा, और जिस वजह से ऑस्ट्रोजन का लेवल डिस्टर्ब हुआ है, जो ग्लैंडुलर सेस हार्मोन का सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो वह भी इससे सही हो जाता है दोस्तों। तो भविष्य में जो दूसरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग या दूसरी जो फाइब्रोएडिनोमा बनने की कंडीशन होती है, वो डेवलप नहीं हो पाती है, वो हमेशा के लिए सही हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार मैं बोलूंगा कि अपने आस पास में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और अगर आप मुझसे इसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इवन अगर आप गैनोथेरेपी के बारे में भी जानकारी चाहिए आपको और, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतनी ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।